अखिल भारतीय आंगनवाड़ी सेविका सहायिका फेडरेशन द्वारा सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन के तत्वाधान में 8-9 जनवरी को 2 दिवसीय होने वाली हड़ताल के माध्यम से अपनी विभिन्न मांगों को रखने जा रहा है। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायकों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। उनकी प्रमुख मांगों में 45वें और 46वें भारतीय श्रम सम्मेलन की सिफारिशें लागू की जाए, कर्मचारी के रूप में मान्यता दी जाए और कम से कम 18,000 प्रतिमाह न्यूनतम वेतन दिया जाए। साथ ही योजनाओं ICDS का निजीकरण न किया जाए, बजट में सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं के लिए पर्याप्त आर्थिक आवंटन किए जाने संबंधित विभिन्न मांगे रही। तो मैं बताऊंगी कि मैं आंगनवाड़ी यूनियन जिला अध्यक्ष, मैं अपनी हमारी मांगे हैं। सबसे पहले हमारी मांग थी कि हमें राज्य कर्मचारी घोषित की जाए, वो सरकार ने अनदेखी करी उस मांग को। राज्य कर्मचारी घोषित करने के बदले कोई एक हमारा सम्मानजनक मानदेय नहीं है। हमारा मानदेय आज की डेट में एक इतना मानदेय है कि जिससे किसी की आवश्यकताएं भी पूरी नहीं हो सकती है। केंद्र सरकार द्वारा हमारा मानदेय कम से कम बढ़ाया गया, जो कि हमारा केंद्र और राज्य का हमेशा मानदेय बराबर रहा है। उसके उपरांत भी केंद्र के द्वारा 1500 बढ़ाने पर भी राज्य द्वारा कुछ नहीं बढ़ाया गया, हमारा जीरो मानदेय बढ़ाया गया। तो और केंद्र और राज्य का हमेशा मानदेय बराबर रहा है। हम चाहते हैं कि जितना केंद्र से हमारा मानदेय बढ़ा उतना हमारा राज्य से बढ़े। एक सम्मानजनक मानदेय होना 18,000 होना हमारे लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि आवश्यकताएं इतनी हो गई है कि ये सरकार देख रही है कि ये सरकार मजदूरों का और हम लोगों का जो अहित देख रही है, इसमें केवल अपना फायदा देख रही है। इसलिए हमें चाहिए कि आंगनवाड़ी यूनियन जो जड़ से जुड़ी हुई है, जमीन से जुड़ी हुई है, उसको हर चीज का नॉलेज है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके बाद उसको वो सबसे बड़ी मजदूर को देखते हुए अनदेखा कर रहे हैं, तो इससे शर्मनाक बात कुछ नहीं हो सकती। मैं ये कहूँ हमारी आंगनवाड़ी की, अभी हमने इससे पहला भी धरना किया था, उसमें 400 आंगनवाड़ियाँ उस दिन थी, आज भी हमारी 300 के करीब आंगनवाड़ियाँ हैं। और आंगनवाड़ियाँ हमने तो अभी कम बुलाई है, उसके बाद हमारा कल भी धरना है, कल 10 बजे से फिर हम लोग यहाँ पर एकत्रित होंगे। देखिए, ये अखिल भारतीय स्तर की राष्ट्रव्यापी हड़ताल है 2 दिवसीय, और इसमें मोदी सरकार का जो वादा था सबका साथ सबका विकास, वो आंधे मुंह गिरा है। किसान विद्रोह कर रहे हैं, मजदूर 10 करोड़ से ज्यादा इन 2 दिन की हड़ताल पर, पूरे देशव्यापी हड़ताल पर जाएंगे। हमारा कहना 18,000 न्यूनतम वेतन किया जाए, समान कार्य के लिए समान वेतन दिया जाए, जो कॉरपोरेट के लिए श्रम कानून बदले जा रहे हैं उन पर अंकुश लगाया जाए, ये प्रमुख मांगे हैं। महंगाई पर रोक लगाई जाए, इसको लेकर आज हजारों मजदूर पूरे उत्तराखंड के अंदर हड़ताल पर है। डिफेंस के लोग आने वाले समय पर हड़ताल पर जाएंगे, परिवहन के लोग हड़ताल पर जाएंगे, आज चाय बगान होटल और असंगठित क्षेत्र के हजारों मजदूर हड़ताल पर जाकर अपने विरोध को व्यक्त कर रहे हैं और सरकार की नीतियों का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। अगर सरकार अभी भी न चेती तो निश्चित तौर पर आने वाले समय में एक निर्णायक संघर्ष शुरू किया जाए। हेलो उत्तराखंड न्यूज के लिए देहरादून से हरीश शर्मा की रिपोर्ट।